नबी साहिब का ग्रंथ अध्याय 58 वचन संख्या 6 और 7। मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन को खोलना, बदलतों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। आइए हम मनन चिंतन करें। जब मैं उपवास रखता हूं तो उसे खुद की भलाई के लिए करता हूं या फिर दूसरों की भलाई के लिए? दूसरे शब्दों में, मेरे उपवास से मुझे ही फायदा पहुंचता है या फिर औरों को भी? वो क्या चीज है जो मुझे इस संसार की असारता में बांधे रखती है और जिनमें मैं आसक्त हो जाता हूं, तथा जो ईश्वर व मेरे आसपास रहने वाले मेरे भाइयों बहनों के साथ मेरे संबंधों में बाधा डालती है? उपवास हमारी इच्छाओं को पवित्र करता है ताकि हम ईश्वर के लिए अधिक तीव्रता से तरसें। इस 40 काल में मैं किस प्रकार का उपवास करूंगा? आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तूने 40 दिन और 40 रात तक मरुभूमि में उपवास किया, अपने पद चिन्हों पर चलने में मेरी मदद कर, ताकि पाप को छोड़ते हुए मैं तेरा वफादार शिष्य बन सकूं और खुद को तुझ से जोड़ते हुए तुझ में एक हो जाऊं। आमीन। संत पीटर क्रिसोलोगोस कहते हैं, उपवास प्रार्थना की आत्मा है और दया उपवास का जीवनदायी रक्त। इसलिए यदि आप प्रार्थना करते हो तो उपवास भी किया करो, और यदि आप उपवास करते हो तो दया भी दिखाया करो।